press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सुनिए सब टीवी के शो बालवीर में देखने मिलेगा क्या आखिर तिमनासा का असल प्लान है, क्या बालवीर ढूंढ पाएंगे अपने असली अत्रा अधिकारी को। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तिमनासा ने कर लिया है एंट्री पृथ्वी लोक में और वो रख रहे हैं बालवीर के हर एक कदम पर अपनी नजर लगा के बैठे हैं बालवीर पर। लेकिन ये सब वो खुद नहीं कर रही है, उसे ये काम सौंपा है बाईमार को। तभी तो तिमनासा बाईमार से मिलने आई है ताकि वो भी अपने आने वाले उत्तराधिकारी को छून सके। इससे पहले कि बालवीर अपने उत्तराधिकारी को छूने, वह शो में आपको बाईमार और तिमनासा का एक अलग ही तरीके का मिलाप दिखेगा, जहाँ तिमनासा ने ये कोशिश की है कि वो बाईमार से बालवीर के आने वाले उत्तराधिकारी के बारे में और ज़्यादा जान सके और उसे सही समय से ख़त्म कर सके ताकि फिर वो उत्तराधिकारी को अपने टीम से ले सके। तिमनासा मतलब आ गई है धरती लोक में, कितनी तबाही मचने वाली है। तिमनासा आ गई है धरती लोक में तो तबाही तो मचनी ही है, और ऐसी मचेगी कि जैसे काल लोक उजड़ा हुआ सा रहता है लेकिन फिर भी खूबसूरत लगता है, वैसी धरती उजड़ेगी फिर भी खूबसूरत लगेगी। तिमनासा का मोटिव सिर्फ यही है कि वो जैसे बालवीर अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ रहा है वैसे तिमनासा को भी उसका उत्तराधिकारी चाहिए। बालवीर उसको अच्छाई के लिए बताना चाहता है, उसको उसके बचपन को अच्छाई में कन्वर्ट करना चाहता है कि लोगों की रक्षा करो, वही मैं चाहती हूँ कि लोगों की तबाही करो। मोटिव दोनों का सेम ही है उसको ढूंढना, लेकिन उम्मीदें दोनों की अलग हैं उससे, तो बस वही होगा। कहीं ना कहीं बहमा जो है वो चैलेंजिंग एकदम है, वो एकदम से कहीं ना कहीं चैलेंज करना चाहते हैं, तो किस तरह का उनका ये मोटिव है? बहमा बहुत ढीठ हैं, वो तिमनासा की बात नहीं सुनते हैं क्योंकि इवेंचुअली उनको भी गद्दी चाहिए और उस गद्दी को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बालवीर को ख़त्म करना, नहीं तो किसी को नहीं मिलती। लास्टली सर आपसे इतना जान चाहूँगी, आपको पर्सनली कितना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तिमनासा हो या फिर बालवीर हो या फिर विवान हो, क्या? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बालवीर रिटर्न्स। अच्छा हुआ मैंने कुछ और ना पिक करके मैंने ये चूज़ किया, और जब फीडबैक आता है फर्स्ट एपिसोड जैसे ऑन एयर हुआ था दैट हाउ वी आर परफॉर्मिंग एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द TRPs टू जस्ट हिट द चार्ट, लाइक हाउ बिकॉज खुद को देख के ऐसे वाओ वाली फीलिंग आती है दैट वी हैव डन इट, बिकॉज वी इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर अस टू डू दिस काइंड ऑफ रोल, बिकॉज हमें इनिशियली ही स्वॉर्ड फाइट करनी चालू कर दी थी एंड वी वर गेटिंग हिट लाइक हाउ, तो बहुत सारी तकलीफें, प्लस यू हैंग ऑल द टाइम ऑन दी हार्डनेस, द बालवीर का भी उड़ने का रोल है, माइन इज ऑल्सो द सेम थिंग, सो वी आर आई थिंक हफ्ते में हम लोग 4 दिन हार्डनेस पे ही होते हैं, दैट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग बिकॉज हार्डनेस इज समथिंग दैट इट्स नॉट नॉर्मल टू टेक, फाइट एंड ऑल स्टिल यू कैन जस्ट स्टैंड एंड यू कैन मूव, बट हार्डनेस इट जस्ट टेक्स यू इन एंड आउट, सो सभी दर्शकों को बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे बालवीर को प्यार दे रहे हैं वैसे ही दीजिए, जैसे पहले बालवीर को प्यार दिया था उससे कहीं 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 ज़्यादा इस बार प्यार दीजिएगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिन्हें देखने में आपको मज़ा आएगा और जो आपको शायद टीवी स्क्रीन के सामने से हिलने ही ना। लव बालवीर, लव तिमनासा, थैंक यू सो मच।